Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of chemistry and this is video lecture number 8. I hope you have already watched part 1 to part 7 before watching this part 8. In this lecture we will discuss about the mole concept. So concept of mole, what is the concept of mole and where it comes from and why it is needed. आपको पता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं. बहुत छोटे होने की वजह से इनकी छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ किसी सब्सटेंस में भी इनकी संख्या बहुत बहुत लार्ज होती है. क्योंकि उस संख्या को कैलकुलेट करना इतना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए एक यूनिट की जरूरत पड़ी कि बड़ी संख्या को एक यूनिट मान लिया जाए. जो दुगनी होगी उसे दो और जो तिगनी होगी उसे तीन कर लेंगे. यानी इसका अर्थ ये है कि हम एक बड़ी से बड़ी संख्या को एक यूनिट मानने वाले हैं. और इस कौन सी संख्या को यूनिट माना जाए ये बात पता करने के लिए क्या करना था कि एक ऐसी संख्या को तलाश करना था जिसको यूनिट माना जा सके. तो ऐसी संख्या कौन सी थी, जैसा कि हमने बताया है कि C12 को एटॉमिक मास के 1/12 पार्ट को एटॉमिक मास यूनिट माना गया. तो कार्बन आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसी को फिर से स्टैंडर्ड माना गया और कहा गया कि किसी भी एक मोल किसी सब्सटेंस का वो होते अमाउंट होता है जिसमें उतने पार्टिकल्स हों जितना कि C12 के 12 ग्राम में होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन अगर इसका लिखना चाहें तो हमें लिखना पड़ेगा व्हाट इज मोल. पहले लिखें व्हाट इज मोल. मोल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड इन दिस मोल कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोल. सो मोल इज व्हाट. मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच इट कंटेन्स एज पार्टिकल्स और एंटिटीज एज इट कंटेन्स इन 12 ग्राम कार्बन C12 12 ग्राम दैट इज 12 ग्राम इज व्हाट 0.012 केजी ऑफ C12 कार्बन 12 यानी आइसोटोप्स राइट. तो इसमें जितने अमाउंट होते हैं उतने ही पार्टिकल्स यानी इसमें 12 एटम में जितने पार्टिकल्स होंगे उतने ही पार्टिकल्स किसी सब्सटेंस में होने के लिए उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे वन मोल. ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है डेफिनेशन. ये डेफिनेशन इतना मजा नहीं आ रहा है कि हम जिससे इसे लिख सके. तो हम ये कह सकते हैं अभी पहले निकालते हैं कि एक मोल होता कितना है. मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक कार्बन एटम का मास कैलकुलेट किया गया बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर द मास ऑफ 12 C12 मास ऑफ C12 कार्बन इज कैलकुलेटेड एज इट इज 1.992648 इंटू 10^-23 ग्राम. सो यू कैन से द मास इज 1.992648 इंटू 10^-12 ग्राम पर C12 एटम कार्बन एटम. ये मास हुआ एक एटम का मास इतना ग्राम है. वी नो वन मोल ऑफ कार्बन C12 इज व्हाट 12 ग्राम दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड 12 ग्राम पर मोल. मास इज C12 12 ग्राम पर मोल. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
can be calculated as 12 gram per mole divided by, divided by 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram per carbon atom, per C12 atom, right? तो ऐसा करने से क्या मिला कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल मिल गया। इसका मतलब है कि एक मोल में 12 ग्राम है और एक मोल में मतलब 12 ग्राम और 12 ग्राम जो है एक मोल में है और एक एटम का मास जो है पर कार्बन एटम का मास इतना है और एक एटम का मास इतना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर ग्राम वी कैन कैलकुलेट इज, यहां पार्टिकल का मतलब एटम्स है, एटम्स यहाँ पे है कितने हैं, कैसे आएगा एटम्स, ये देखिए ये जो है ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, मोल नीचे आ जाएगा और एटम क्या चला जाएगा ऊपर और ये आएगा 6.022 1367 इंटू 10 टू दी पावर 23 C12 एटम्स पर मोल, मोल नीचे आ जाएगा, ये मोल नीचे आ जाएगा, C12 ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पर मोल में एक मोल में इतने कार्बन एटम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वन मोल ऑफ कार्बन दैट इज कंक्लूडेड लाइक वन मोल ऑफ कार्बन ऑफ C12 कंटेन्स, C12 मीन्स कार्बन आइसोटोप व्हिच एटॉमिक मास इज 12, C12 कंटेन्स 6.022 1367 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, राइट। इसका मतलब है कि एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, कार्बन के एक मोल में इतने एटम्स होते हैं और इसी को क्या मान लिया गया स्टैंडर्ड, दिस नंबर इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड नंबर एंड इसको बाद में कहा गया एवोगाड्रो नंबर, क्या कहा गया एवोगाड्रो नंबर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, चूंकि डाटा बड़ा है इसलिए इसको 6.022 इंटू 23 एटम्स के बराबर लिख लेते हैं और इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा गया, क्या कहा गया इसको कहा गया, दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर एंड दिस नंबर इज डिनोटेड बाय NA, एवोगाड्रो नंबर इज डिनोटेड बाय NA। तो इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा गया, क्यों कहा गया एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि एमिडियो एवोगाड्रो ने इसे एमिडियो एवोगाड्रो के सम्मान में, के ऑनर में एमिडियो एवोगाड्रो ये नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। अब बाद में देखा जाने लगा कि एक मोल कार्बन एटम के इतने होते हैं, यानी Na इज इक्वल टू, आप सिंबली रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हुआ ये नंबर है। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसलिए पार्टिकल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एटम कार्बन के एक एटम में इतने, एक कार्बन के एक एटम में इतने, यानी कार्बन के एक मोल में वन मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रिसाइज डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये लिखेंगे एन असेंबली ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एटसेट्रा आर कॉल्ड वन मोल, राइट। असेंबली ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉल्ड वन मोल, राइट। दिस इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, और आयंस कॉल्ड वन मोल।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहें वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.022 × 10³ एटम्स, राइट। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम की अगर बात करें तो उसमें इतना होगा, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम तो इतना होगा। वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो इसमें कितना होगा, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ कि इतना अगर मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का, यानी एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, दो होते हैं ना, और एक एटम में अगर इतने एटम होते हैं तो आप लिख सकते हो 2 × 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये होगा। तो इस तरह से आपको ये समझने में ज्यादा मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, लेट मी राइट करेक्ट हियर क्लियरली, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू दिस, राइट। तो इस तरीके से आपको ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आया कि जब एटम, ऑक्सीजन के एटम की बात करें तो उसमें एटम होंगे, मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें मॉलिक्यूल होंगे 6.022 × 10²³, और अगर उसमें एक मॉलिक्यूल में एटम की बात करें तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें किसी और एलिमेंट के लिए, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज H इज इक्वल टू ऑल्सो 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसी तरह से वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2, देन दिस विल बी 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और दैट कैन बी रिटन एज 2 × 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों डेफिनेशन, दोनों ही एग्जांपल मोर और लेस सेम है, बट दोनों को समझने के लिए आपको हमने दो एग्जांपल दिए हैं। समझें कि सब में ऐसे ही होता है, कहीं पर भी अगर निकालना है आपको मोल तो आप ये नंबर ऑफ से डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल से निकालनी है, वन मोल में इतना है तो टू मोल में कितना होगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री मोल में कितना होगा तो थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव मोल में कितना होगा तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 मोल में कितने होंगे तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू लिखा हो, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से, सो व्हाट, हाउ मेनी, क्वेश्चन इज दिस, एंड 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू व्हाट 6.022 × 10²³ मल्टीप्लाई बाई 5, सो सिंपली वन कैन कैलकुलेट एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। दैट विल कम हियर, 5 × 10, 5 × 10, 11, एंड दिस इज 11, एंड 5, 6, 30 × 10²³, दैट कैन बी रिटन एज इन साइंटिफिक फॉर्म 3.011 × 10²24, व्हाट, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन।
एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब है कि कभी भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो, नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर मोल, लिखा हुआ है ऊपर डेफिनेशन में कि क्या होता है, पर मोल होता है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि ग्राम में अगर हम किसी को एक्सप्रेस करें एटम को और मॉलिक्यूल को, तो उसको भी हम कहते हैं मोल। जैसे 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 मोल कह सकते हैं, राइट, 1 मोल। सिमिलरली 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड 1 मोल, राइट। बट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 मोल। इसका मतलब हुआ कि ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोल। दैट इज अनदर डेफिनेशन वी कैन राइट हियर, ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोल। ये भी एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि ग्राम एटम्स, दैट इज व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1.008 ग्राम है, मान लीजिए। सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008, सो देयरफॉर 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड 1 मोल, इसको 1 मोल कहेंगे। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, 2 × 1.008, दैट इज 2.016 ग्राम, राइट। सो वी कैन से देयरफॉर 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 मोल, यानी व्हेन मास ऑफ एटम इज एक्सप्रेस इन ग्राम, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल एंड कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटम व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इज इन ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल क्या हुआ, अब अगर हम ये कहें कि ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो भी बात यही होगी, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन
मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वाटर से इज व्हाट, 1 × 2 + 16, दैट इज 18 ग्राम अप्रोक्स। सो 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज कॉल्ड 1 मोल, राइट ना। सो देयरफॉर 18 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज कॉल्ड 1 मोल, ठीक है। तो ग्राम में जब एक्सप्रेस किया जाए तब उसे हम ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं, एंड ग्राम एटम एंड ग्राम मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगर मैं कहूं कि 18 ग्राम में 1 मोल है, तो हाउ मेनी मोल, क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी मोल इन 36 ग्राम ऑफ H2O। क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले आपसे, हाउ मेनी मोल्स आर इन 90 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। सो वी नो द 18 ग्राम इज 1 मोल, तो 90 ग्राम मस्ट बी इक्वल टू 5 मोल। सो देयरफॉर सिंस 18 ग्राम इज 1 मोल, देयरफॉर 90 ग्राम मस्ट बी 5 मोल। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन मास इन ग्राम, राइट, डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास इन ग्राम, राइट, मोलेकुलर मास इन ग्राम। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका ये है कि इतना ग्राम में इतना है, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5, वी कैन कैलकुलेट लाइक दिस। आई होप यू गॉट इट, राइट। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अगर कोई पूछ दे, अब इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी ग्राम्स इन 0.25 मोल्स ऑफ वाटर, राइट, दैट इज, सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा। अभी उसी फॉर्मूला को लगाएंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वैसे तो कॉमन सेंस है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज गिवन और दैट इज टू बी फाइंड आउट, एंड मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय मोलेकुलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.25 दिया हुआ है और मास ऑफ सब्सटेंस आपको निकालना है ना, सब्सटेंस आपको निकालना है, मास ऑफ सब्सटेंस निकालना है, और मोलिकुलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया हाइड्रोजन का कितना, वाटर का कितना 18। सो मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, देयरफॉर मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज वाटर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर नीड दिस मोल, दैट इज 0.25 × 18, राइट, दैट इज 4.5, राइट ना, 4.5 ग्राम। तो 4.5 ग्राम में इतना मोल होगा, ये बात समझ में आ गई। तो एक ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, इसी फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगी कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों बातें इस फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, हाउ मेनी मोलिकुल्स आर, क्वेश्चन इज लाइक दिस, से हाउ मेनी मोलिकुल्स आर, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोलिकुल्स आर इन 0.20 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। सो वी नो हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल कंटेन हाउ मेनी, सिंस वन मोल ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स
of H2. So therefore 0.20 moles of H2 contains 0.20 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2. Molecules of H2, right? So ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब 5 से डिवाइड करना है, तो दिस इज 1.2, राइट, 5 to 10 एंड दैट इज 0 एंड 4 एंड 5, राइट ना, सो 5 4 20 5 4 20 अगेन, सो दैट विल बी 4 4 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल हो तो यहाँ आंसर मॉलिक्यूल में आएगा, अगर एटम हो तो आंसर एटम में आएगा, आयंस हो तो आंसर आयंस में आएगा, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हुआ, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिपेंडिंग अपॉन वेदर एटम और मॉलिक्यूल इज गिवन। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम। सो वी नो दिस मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वी नो द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज Na इज 23, सो 23 ग्राम, देयरफॉर 23 ग्राम Na इज इक्वल टू 1 मोल, 23 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। सो वी हैव टू फाइंड 115 ग्राम में कितने मोल होंगे, सो द क्वेश्चन इज देयरफॉर इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम कितने मोल होंगे, ये बताना है, ठीक है, कितने मोल होंगे। तो ऑफ कोर्स आंसर ही दिख रहा है कि 5 गुना है तो 5 मोल होंगे, और 5 मोल कैसे आएगा, इस बात को प्रैक्टिकली अगर फॉर्मूला कोई चाहता हो कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ एटम ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास अगर इस पे लिख दें तो ये हो जाएगा कितना, गिवन मास इज 115 अपॉन 23 दैट इज 5 मोल, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एटॉमिक मास अगर दिया है तो उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता है, अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो भी उसमें नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। फर्क क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो हमें मॉलिक्यूलर, अगर कोई मास दिया हुआ है मॉलिक्यूल का तो उसमें मॉलिक्यूलर मास डिवाइड करने से नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, अगर किसी एटम का मास दिया हुआ है तो उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करने से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की बात को आप समझ पा रहे हैं आई होप, और इस अब मोल का 2-3 तरीके से काउंटिंग किया जा सकता है। पहला, एन असेंबली ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटसेट्रा दैट इज पार्टिकल्स कॉल्ड 1 मोल, और 1 मोल किस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच इट कंटेन एज मेनी एज पार्टिकल्स एज इट कंटेन इन 1 एटम ऑफ C12। दिस इज द डेफिनेशन। अब पहली डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी कि क्या मतलब हुआ, कि अलग अलग सब्सटेंस के एक मोल के लिए अलग अलग अमाउंट चाहिए। तो पहला जो डेफिनेशन हमने दिया था उस डेफिनेशन का यही मतलब था कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच इट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स और एंटिटीज, ये आर एंटिटीज का मतलब है एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटसेट्रा। तो ये है एज मेनी एज
particles as it contains in 12 gram of C12 isotopes. 12 gram का मतलब क्या हो गया, 1 मोल। तो इसके 1 मोल में जितना हो रहा है, इसके 1 मोल में कितना कर रहा है, इसके 1 मोल में अब यहाँ कैलकुलेट करके हमने दिखाया कि यहाँ 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इतना है, 1 मोल में इसके 6.022 × 10³ एटम्स है। सबके 1 मोल में इतना ही होगा, बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन वेरी। जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में ही इतने एटम्स मिलते हैं, कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम्स मिलते हैं, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतने एटम्स मिलते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन वेरी बट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विल रिमेन द सेम। तो इतने ग्रुप को, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, उसको हम एक मोल कहते हैं। तो एक मोल आप समझ गए कितना होगा, एन असेंबली ऑफ 6.022 × 10³ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इज कॉल्ड 1 मोल। इस बात को आप दिमाग में रख लें, ठीक है। अब अगली टॉपिक पे बात करते हैं। अगली टॉपिक क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन क्या है और इसको हमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, राइट। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट्स का हमें पता करना है, परसेंटेज कंपोजिशन कितना है किसी भी कंपाउंड में, तो हम पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं ले लूं कि NaCl का परसेंटेज कितना है, मैं सोडियम का परसेंटेज कितना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है। जैसे क्वेश्चन के तौर पे इसी से बता दूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन NaCl, ये क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम ऑफ कंपाउंड निकालना चाहिए। कंपाउंड क्या है हमारा, NaCl कंपाउंड है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इसका सोडियम का क्या हो गया, 23, क्लोरीन का 35.5, यानी 58.5 ग्राम जो है वो इसका मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम में अगर एक्सप्रेस करें तो। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कैन बी कैलकुलेटेड एज, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम Na इज इक्वल टू 23 ग्राम। तो 23 ग्राम अगर ये है, 58.5 में 23 ग्राम सोडियम है, तो कितना परसेंट है, तो परसेंटेज मास ऑफ सोडियम of Na in NaCl is equal to क्या होगा, 23 divided by 58.5 into 100%, right? तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 39.31%। इसका मतलब इतना परसेंटेज सोडियम है और बाकी क्या है, बाकी क्लोरीन है, क्लोरीन का परसेंटेज है इतना परसेंट। इसमें दो ही कंपाउंड है, तो एक सोडियम है और बाकी क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का परसेंटेज 100 − 39.31, सो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन यहाँ पे है, परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन कैन बी कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100 माइनस परसेंटेज मास ऑफ क्लोरीन दैट इज Cl कैन बी कैलकुलेटेड इन NaCl कैन बी कैलकुलेटेड एज 100 − 39.31, that is 60.69%, राइट ना, ये आएगा। तो इस तरीके से दोनों का परसेंटेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी बात को फॉर्मूला के तौर पे लोग याद रखते हैं, तो कैसे फॉर्मूला के तौर, 23 क्या है ये मास ऑफ गिवन एलिमेंट इन कंपाउंड, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, यही फॉर्मूला बन जाएगा क्या, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड
एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, कंपाउंड सीधे लिख देते इन कंपाउंड अपॉन व्हाट, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%, ये हो जाएगा मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड। ये एक फॉर्मूला हो गया जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप एक फॉर्मूले के तौर पे चाहे तो याद रख सकते हैं, है ना, लोग इसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, सबको पता है कैलकुलेट करना है। आपके स्कूल में 400 में से 240 नंबर आ जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि कितना नंबर आया जी, कितना परसेंट आया, तो क्या करते हैं, टोटल नंबर 400 नीचे लिख देते हैं, जो नंबर आया वो ऊपर लिख देते हैं और 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 240 आया, कितने में से आया, 400 में से, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और चार से छह बार में कट जाएगा, 6 × 10 60% आप कहते हैं कि मार्क्स आया है जी। तो इसी तरह का ये फॉर्मूला है, कोई नया इसमें कलाकारी वाली बात नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन कैलकुलेट एनीवेयर। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो, यहाँ दो था तो एक में से दूसरे को माइनस कर दिया क्योंकि थे ही दो, अब अगर तीन हो, मान लीजिए कि हमें कैलकुलेट करना हो कि कैलकुलेट, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम CA इन CaCO3, ठीक है, इन CaCO3, तो ये क्या करेंगे, इसको आप कैसे करोगे, तो पहले लिखेंगे मोलेकुलर मास ऑफ CaCO3, मोलेकुलर मास ऑफ CaCO3 मतलब कंपाउंड, कंपाउंड का मोलेकुलर मास निकालते हैं, कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का 40 प्लस ये क्या होगा 12 × 12 = 16 × 3 48 + 12 = 60 + this 100 gram, सो 100 ग्राम हो गया एंड देयर फोर परसेंटेज मास वी कैन कैलकुलेट सिमिलरली, और इसमें मास ऑफ किसका है, मास ऑफ कैल्शियम कितना है, सो मास ऑफ कैल्शियम CA इन CaCO3 कितना है, ये कंपाउंड में 40 ग्राम, तो इसका मतलब परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम, देयरफॉर परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 इज इक्वल टू कितना होगा, मॉलिक्यूलर टोटल मास इज 100 ग्राम और मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया 40%, तो इसका मतलब हुआ कि 40% कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो ये परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है और ये आसानी से कैलकुलेट करने के पश्चात आपको कंपोजिशन पता चल जाएगा, कंपोजिशन पता चल जाएगा कि सब्सटेंस में कौन कितना है, जैसे कार्बन का वहां अब हम कैलकुलेट करना चाहें परसेंटेज मास ऑफ कार्बन तो कितना हो जाएगा, कार्बन का मास कैलकुलेट करोगे तो कार्बन 12 ग्राम है 100 ग्राम में से मल्टीप्लाई बाई 100%, तो क्या कह सकते हैं 12% है, कार्बन 12% है, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितना है 48 ग्राम, 48 आउट ऑफ 100 ग्राम इनटू 100% यानी 48%, तो कंपोजिशन जो हो गई, कंपोजिशन कहें कि अगर CaCO3 का कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन ऑफ CaCO3, तो इसमें तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर का शेयर है 40%, ठीक है, 40% कौन है, कैल्शियम का शेयर है, और 12% किसका शेयर है, कार्बन का शेयर है, और 48% किसका शेयर है, 48% ऑक्सीजन का शेयर है। ये इनका रेशियो बता रहा है, परसेंटेज बता रहा है, एक कंपाउंड में किसकी क्या हस्ती है, किसकी कितनी शेयर है, ये बात इसमें बताया जा रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में पता कर सकते हैं, और कंपोजिशन के बारे में पता करने से बहुत कुछ पता चल जाता है, उसके मॉलिक्यूलर बिहेवियर के बारे में, उसकी
प्रॉपर्टीज के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जिसकी कंपोजिशन में ज्यादा परसेंटेज होगी, हो सकता है कि प्रॉपर्टी पे उसका ज्यादा मैनिपुलेशन होगा। तो इस तरीके से कंपोजिशन पता चलते ही उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ पता चल सकता है, ठीक है ना। तो ये हुआ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो उसका एटम में, उस कंपाउंड में उसका मास है वो डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100%, ये निकल जाएगा। और इससे आपको आसानी से ये कंपोजिशन का पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। आप लोग थोड़ा पढ़ लिख के आइए और अच्छे से थोड़ा पढ़ के आइए, इसको आज काफी कुछ बताया है इसको मोल के बारे में, मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सबसे बेसिक यूनिट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और इसका जो है आगे बहुत यूज होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड दैट्स ऑल। Thank you. God bless.